हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, डेली टॉप 10 एमसीक्यूज़ की है सीरीज आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एचपीटीएसडी, आर्ट्स कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी कमीशन, केवीएस, एनवीएस, टीएसडी, पीएसडी, अदर कोई भी एक स्टेट एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें कि जीएस पूछी जाती हो, हर एक एग्जाम में यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? व्हेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर टेक प्लेस? आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई हैं, आपको इनमें से इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1809 में जो था तो अमृतसर की संधि हुई थी। तो बात करें अगर अमृतसर की संधि की, तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ एवं महाराजा रंजीत सिंह के मध्य में हुई थी। इस संधि के तहत सतलुज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया था। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी तथा सतलुज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ज़रूर नोट रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिशर एंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अंग्रेजों ने जो था वो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। बात करें श्रीरंगपट्टनम की संधि की, तो यह हुई थी 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। यह संधि तृतीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1790 और 1792 में हुआ था, उसका परिणाम था, जिसमें अंग्रेज़, मराठा तथा हैदराबाद के निज़ाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निज़ाम को कुड़प्पा तथा गंडीकोटा के दुर्ग, कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों को मालाबार का तट क्षेत्र एवं बड़ा महल डिंडीगुल जिले प्राप्त हुए थे। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संघ लोक सेवा आयोग को राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य किसकी स्वीकृति के साथ सौंपे जा सकते हैं? तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य की स्वीकृति दी जाती है। तो अनुच्छेद 315(4) कहता है कि संघ के लिए लोक सेवा आयोग, अगर किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ राज्य की सभी या किसी भी ज़रूरत के लिए सेवा करने के लिए सहमत हो सकता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, यानी कि कालीमंतन इज द पार्ट ऑफ द आइसलैंड विच इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोर्नियो। तो बोर्नियो जो है कालीमंतन के इस द्वीप का अंग है, बोर्नियो द्वीप का। तो बात करें अगर बोर्नियो द्वीप की, तो कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है जिस पर इंडोनेशिया का नियंत्रण है। बोर्नियो विश्व का तीसरा एवं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में विभक्त है। ब्रुनेई के दक्षिणी में जावा, पश्चिम में सुमात्रा एवं पूर्व में सुलावेसी द्वीप स्थित हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। तो इस क्वेश्चन को हमने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से यह रिपीट हो गया। तो कोयले के चार प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? एंथ्रेसाइट में 80-90%, बिटुमिनस में पाई जाती है कार्बन की मात्रा 55-65% एंड लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 45-55% होती है, और पीट में कार्बन की मात्रा होती है 35-45%। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो के जो मंदिर हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और बात करें अगर खजुराहो के मंदिरों की, तो खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे। ये मंदिर जो हैं वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो बात अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
किसी भी व्यक्ति पर एक ही बार से अधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा यदि अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए सजा का उपरोक्त संरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20, यानी कि अनुच्छेद 20 के तहत जो है तो किसी भी व्यक्ति पर एक ही बार से अधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपराध कर लिया है तो अगर उसे उस अपराध का दंड मिल चुका है तो उसी अपराध के लिए उसको आप बार बार दंड नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने के अधिकार किसे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर ए की, तो उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है और यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है किसी भी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है और न्यायालय जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो न्यायालय है उसे सलाह देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो होने के पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना इस सिचुएशन में अनिवार्य हो जाता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मान ही ले। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वराज पार्टी का गठन की डैस की असफलता के बाद हुआ। द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ डैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन जो था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो बात करें अगर असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद एक तो हमने पढ़ा कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, यह मार्च 1923 में हुआ था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और सहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज देश बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रंजन दास। चित्रंजन दास जो है इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और बात करें अगर चित्रंजन दास की, तो एक तो हमने पढ़ा कि इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी कि जो राष्ट्र का फ्रेंड है, दोस्त है। चित्रंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए और तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यह भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मोती किसने स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी, तो मोतीलाल नेहरू के साथ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल। तो अगर हम बात करें इसकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। कौन? विट्ठल भाई पटेल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।